ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ऐसे दादी जी की एक विशेषता और एक्यूरेसी बहुत थी। इतनी एक्यूरेसी थी, उस जमाने में हमारे पास कार नहीं थी। अगर कहीं जाना होता था तो कोई भाई को बुलाते थे कि फलानी जगह जाना है पहले से, और वो टाइम, तो वो भाई जब गाड़ी लेके आता था, अगर 2 बजे जाना है, 2:30 बजे जाना है, कितने भी बजे, जो टाइम फिक्स होता था, तो दादी जी कहती थी, क्योंकि हमारा जो आश्रम था वो 2nd फ्लोर पे था, तो वो भाई आएगा, गाड़ी पार्क करेगा, फिर वो ऊपर चढ़ेगा, फिर मुझे बुलाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम उसके आने से पहले चल के नीचे बैठ जाते हैं। तो हम कहते थे, ऐसी भी क्या बात है दादी जो आपको इतनी जल्दी रहती है। कहा, नहीं, जो समय देता है उसके समय की कीमत समझो। वो अपना समय निकाल के आएगा, चाहे दुकान से, चाहे ऑफिस से, कोई भी होगा, वो मेरे लिए टाइम निकाल के आया है, बाबा की सेवा के लिए टाइम, तो उसका एक क्षण भी बेकार ना जाए। तो दादी 5 मिनट पहले रेडी हो करके और इतना 2 मंजिल उतर के नीचे एक कुर्सी पे आके बैठ जाती थी ऑफिस से मंगा के, ताकि वो भाई आए और तुरंत का तुरंत हम कार में बैठे, उसका 1 मिनट भी टाइम बर्बाद ना हो। तो दादी, अपने समय की भी कीमत और किसी के दूसरे के भी समय की बहुत कीमत समझती थी। तो दादी को समय का भी बहुत कदर था। तो इस तरह से दादी को श्वास, समय, संकल्प, हर एक चीज़ की दादी बहुत कदर करती थी। तो हमेशा कहती थी, नहीं, अगर स्टेशन भी जाना है तो आप 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, भले इंतज़ार करना हो। उस समय अगर हम देर से पहुंचेंगे तो रास्ते भर टेंशन रहेगा, क्योंकि रिक्शा में जाना होता था, साइकिल रिक्शा में, तो हमें टेंशन रहेगा, तो हमारी जो सांसें हैं वो बाबा को नहीं याद करेंगी, तो मेरी सांस बेकार जाएगी। पहले जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे 5 मिनट, तो बाबा की याद करते हुए जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे भी इंतज़ार किया, गाड़ी का कोई हर्जा नहीं, बाबा की याद में रहेंगे, इसलिए कभी ना सोचो कि 5 मिनट बाद निकलेंगे, नहीं। तो समय से पहले हर कार्य करने का दादी जी को रहता था।